हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और इस समय का टेम्परेचर जो है वो 6 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में है और हम लोग निकल रहे हैं एजुकेशनल टूर के लिए। आप देख रहे हैं कि बस लगी हुई है, इसमें हमारे सारे स्टूडेंट लोग हैं और हम लोग निकल रहे हैं राजगीर और नालंदा। डेस्टिनेशन है हम लोग का राजगीर और नालंदा, एजुकेशनल टूर के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आज आप लोग को सफ़र करवाते हैं नालंदा और राजगीर का और वहाँ के इम्पोर्टेंट चीज़ों को दिखाते हैं। बस में संगीत का आनंद उठा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंधेराई। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंधेराई। तो किस बात की है लड़ाई। सफर आसानी से कट जाए इसके लिए दो ग्रुप बनाया गया है, एक गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, एक बॉयज स्टूडेंट के लिए, और ये दोनों मिलकर के अंतराक्षरी खेल रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं राजगीर। ये शांति स्तूप हम लोग जा रहे हैं, ये एक पहाड़ पर है। जाने के लिए दो रास्ता है, आप पीछे एक देख रहे हैं रोप वे जा रही है और एक है ये, आप सीधे जा सकते हैं। ये पहाड़ चढ़ना पड़ेगा सीढ़ी से। वहाँ एक विश्व प्रसिद्ध शांति स्तूप मंदिर है, हम लोग वहाँ पर चलेंगे। ये सीढ़ी ऊपर जा रही है, विश्व शांति स्तूप मंदिर काफ़ी ऊँचाई पर है। अभी कुछ दूरी तय हम लोग किए हैं, इतनी ही दूरी में काफ़ी थक गए हैं। विश्व शांति स्तूप मंदिर, ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और चारों कोना में बुद्ध का प्रतिमा लगी हुई है। आपको नज़र आ रहा होगा ये मंदिर, विहंगम दृश्य है। आप इधर देखिए, इधर भी पहाड़ों का दृश्य दिख रहा होगा आपको। ये चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहा है। थोड़ी अभी बादल है, धुंधला है, इसीलिए आपको पूरी अच्छी तरीके से पहाड़ नज़र नहीं आ रहा होगा। ये चारों तरफ आप देख रहे होंगे, एक विहंगम दृश्य है। मेरे इंस्टीट्यूट के सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोग विश्व शांति स्तूप का एक विहंगम दृश्य एक ग्रुप फोटोग्राफ के साथ ले रहे हैं। बंदर भी रहते हैं, अभी बंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं। बंदरों से बच करके रहना जरूरी होता है, नहीं ये तो मोबाइल लेकर के भी भाग जाते हैं। कुछ कुछ दुकानें लगी हुई रहती है, कुछ बच्चों के खिलौने हैं और चूड़ी वगैरह का दुकान है यहाँ पर काफ़ी। कुछ बुद्ध की प्रतिमा वगैरह भी है, देख रहे हैं ये काफ़ी दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। ये सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं पहाड़ों का और पहाड़ों के बीच में जंगल है। ये आप देख रहे हैं मेरे इंस्टीट्यूट के सारे स्टूडेंट जो हैं वो अब नीचे जा रहे हैं। हम लोग यहाँ से नालंदा की ओर प्रस्थान करेंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं नालंदा और यहाँ पर हम लोग एक गाइड से बात कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ के बारे में। हिस्टोरिकल प्लेस है ये, देखते हैं क्या बताते हैं गाइड। तो नालंदा विश्वविद्यालय की तरह
एशिया महादेश में तीन बड़ा बड़ा विश्वविद्यापीठ था, नॉट ओनली नालंदा। नालंदा से और ज्यादा पुराना तक्षशिला विश्वविद्यापीठ जो पाकिस्तान में चला गया, चाणक्य वहीं के टीचर थे। तो एशिया का फर्स्ट एंड ओल्ड विश्वविद्यालय तक्षशिला, सेकंड है नालंदा, और नालंदा के बाद एक तीसरा विश्वविद्यापीठ विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिले में। लेकिन जो ख्याति नालंदा को मिली उसमें बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा, जो नालंदा तीन बार तीन राजा के द्वारा बना, तीन डायनेस्टी का नालंदा है। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर जो नालंदा है वो 500 एडी का आफ्टर क्राइस्ट है, वो 500 साल का, वो गुप्त राजा का। तो गुप्त राजा टाइम जब वो नेचर से टूटा नालंदा, तो उसी के ऊपर रिबिल्ट हर्षवर्धन राजा ने करवाया 7वीं सदी में, फिर रिबिल्ट हुआ 9वीं सदी में। तो हर्षवर्धन राजा के समय में यहाँ का वाइस चांसलर शीलभद्र थे, उसके बाद अतीश दीपंकर जो तिब्बत में गए, तो ह्वेनसांग चीनी यात्री यहाँ आकर 6 साल पढ़ा और 6 साल पढ़ाया, टीचर भी थे छात्र भी थे। तो स्टूडेंट लाइफ में एक बुक बनाया था नालंदा का, उसी बुक के आधार पे 10 किलोमीटर लंबाई और 5 किलोमीटर चौड़ाई, 10,000 छात्र और लगभग 2,000 टीचर, यानी 12,500 का खाना पीना रहना पढ़ना अंदर था, और गुरुकुल टाइप का सिस्टम था आश्रम के तरह। तो इसका एरिया 10 किलोमीटर, लेकिन 1200 साल में एक विदेशी आक्रमण हुआ, वो अफगानिस्तान के राजा थे, उनका नाम था बख्तियार खिलजी, पूरे नालंदा को तोड़वा दिया गया और लाइब्रेरी में आग लगवा दी गई, 6 महीने तक पुस्तकें जली। तो जब तोड़ दिया जला दिया, फिर कोई राजा बनाया नहीं नालंदा को, तो डैमेज नालंदा पे धूल गर्दा घास पात जमता जमता पूरा इलाका लाइक हिल जैसा हो गया, और किसी को पता नहीं कि ऊंचा ऊंचा पहाड़ी क्या है नीचे क्या है। लेकिन ह्वेनसांग जो स्टूडेंट लाइफ में जो बुक बनाया था, वही बुक चाइना की लाइब्रेरी में लॉर्ड कनिंघम जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे 1861 में वो मिला, और उसी डायरी के लोकेशन पे 1 किलोमीटर अंग्रेज ने खुदाई किया और 9 किलोमीटर पे बस्ती बस गया, मैंने पुराना नालंदा नीचे या घर मकान ऊपर 9 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जो खुदाई किया गया उसमें तीन राजा टाइम का मिला, तीन डायनेस्टी का, नीचे गुप्ता का 500 साल, फिर हर्षवर्धन का 700 साल, फिर पाल का 9वीं सदी गए, टूटता गया और उसी को लोग जीर्णोद्धार करते गए नालंदा का। तो मात्र 1 ही किलोमीटर निकाला गया है, तो आप एक दो देखेंगे हॉस्टल्स वो समझ में आ जाएगा। अभी जो नालंदा का खंडहर है उसके मेन एंट्री पर हम लोग जा रहे हैं, मेन एंट्री ये है, यहीं से नालंदा का खंडहर घुसना है और हम लोग नालंदा के खंडहर को देखेंगे। आप देख रहे हैं ये चारों तरफ कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ये आप देख रहे हैं, हम लोग गाइड से भी बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। अभी हमने बोला था वहाँ पे तीन टाइम का नालंदा, जिसमें सबसे पहले बनाने वाले सम्राट कुमार गुप्त राजा, उनके टाइम में एक कमरा एक छात्र का रहने का था, अंदाज कीजिए ऐसा कमरा 12,000 था इन 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर में 10,000 छात्र का, 2,000 टीचर का। जब एक गुप्त राजा का टाइम का नालंदा नेचर से डैमेज हो गया, तो इसके ऊपर राजा हर्षवर्धन ने नहीं सक्सेस किया। तो अभी आप मिडिल नालंदा पे खड़े हैं, मिडिल नालंदा का मतलब 7वीं सदी का हर्षवर्धन का, और फर्स्ट नालंदा का मतलब 5वीं सदी का, वो ग्राउंड फ्लोर हो गया और ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। तो ग्राउंड फ्लोर का कमरा आपने देखा, और आप मिडिल नालंदा है मीन्स इन 7th century AD का किसी टाइप का कमरा वगैरह इधर देखेंगे। ये नालंदा का खंडहर है, आप देख रहे हैं चारों तरफ खंडहर, और साथ में अभी फूल पौधे लगा दिए गए हैं, सुंदर एक दृश्य दिख रहा है चारों तरफ। होता था
पढ़ाई के टाइम में 300 कमरा का 30 छात्र का ये बैठ कर पढ़ने का क्लासरूम है और उन्हें पढ़ाने वाले टीचर का ये मंच है। इधर दिखाइए, टीचर का वो मंच हो गया, क्लास नीचे हो गया और क्लास के टाइम में ये नहीं था, ये लास्ट राजा ने इसको रिबिल्ड करके ऊंचा किया है। क्योंकि नालंदा मैंने बोला था तीन टाइम का, गुप्त राजा, हर्ष राजा, पाल का, तो ये आप हर्ष राजा टाइम पे है, ऊपर पाल का हो गया नालंदा, हाँ उसी समय लास्ट 9वीं सदी का वो हुआ, 7वीं सदी का ये हुआ और इसके नीचे जो गेट पे देखा है वो 5वीं सदी का, तीन पीरियड का नालंदा। और इसका नाम नालंदा क्यों रखा, वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग है नालंदा का, दो शब्द से नालंदा बना है, एक नालम प्लस दा संधि दिशा, नालम का मतलब लोटस फ्लावर, कमल का फूल जो नॉलेज का प्रतीक माना जाता है बौद्ध धर्म में, तो नालम का मतलब नॉलेज ज्ञान और दा का मतलब दाता देने वाला, विश्व को ज्ञान देने वाला जगह का नाम है नालंदा। तो पूरी दुनिया के लोग यहीं से ज्ञान लेता था और ज्ञान रूपी किरण दुनिया में फैलाता था। लेकिन जब इसको 1200 साल में खिलजी राजा का आक्रमण में पूरे नालंदा को तुड़वा दिया गया, वाचनालय में आग लगवा दी गई, बाद ये कोई राजा बनाया नहीं, डैमेज नालंदा, धूल गर्दा घास पात जमता तमता पूरा इलाका टीला हो गया, खुदाई 1 किलोमीटर अंग्रेज ने करवाया, बाकी पे अभी 9 किलोमीटर पर लोकल इंक्रोचमेंट है, नालंदा नीचे और घर मकान ऊपर। ये देखिए मोटी मोटी दीवारें हैं, ये देखिए एक रूम का नज़ारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं खंडहर में एक रूम का नज़ारा और ये एक सेल्फ जैसा बना हुआ है जहाँ पर बुक वगैरह रहते था, आप ये देख रहे हैं पूरा कितनी ऊंचाई पर है, ये आप देख रहे हैं सभी हॉस्टल का रूम होता था और कई एक रूम बना हुआ है यहाँ पर, आप चारों तरफ देख रहे हैं पीछे मेरे पीछे ये सभी रूम होता था और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है ये किचन होता था, यहीं पर खाना बनता था और आप वो देख रहे हैं वो पीछे जो है वो कुआं है, वहाँ पर एक कुआं का पानी यहाँ के रहने वाले छात्र पीते थे और अपना दिनचर्या का सारा काम इसी कुएं के पानी से करते थे। तो ये बड़ा सा हॉस्टल है, आप यहाँ पर हॉस्टल देख रहे हैं, आई है